मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सितांशी जोशी एंड आई एम स्टार्टिंग इन क्लास 5D. टुडे आई एम प्रेजेंटिंग अ मोनोआर दैट्स ऑन द टॉपिक ऑफ एजुकेशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. सो लेट्स स्टार्ट. गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो, नारंगी सफेद और हरे रंग के गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो. आंटी आंटी एक गुब्बारा ले लो ना, देखो कितने प्यारे गुब्बारे हैं. आंटी एक तो ले लो, आंटी एक ले लो ना. अरे हटो पीछे, एक बार में समझ नहीं आता है क्या, मुझे घर पहुंचना है जल्दी से. आंटी आंटी प्लीज एक तो ले लो ना, आज सुबह से एक भी गुब्बारा नहीं बिका, माँ मुझे बहुत मारेगी. तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ रोज रोज गुब्बारे क्यों बेचती हो? आंटी मेरा नाम खुशी है, मैं यहाँ रोज गुब्बारे इसीलिए बेचती हूँ ताकि थोड़े पैसे कमा सकूँ और अपनी माँ की मदद कर सकूँ. क्या तुम्हारा मन नहीं करता पढ़ाई करने का, स्कूल जाने का? आंटी मन तो मेरा भी बहुत करता है पढ़ाई करने का, स्कूल जाने का, पर माँ कहती है तुम लड़की हो, तुम्हें पढ़ लिख कर क्या करना है. तुम्हारी माँ कहाँ है, कल मुझे उनसे बात कराना. जी आंटी. मामा वो आंटी आपसे मिलने आई हैं. मुझसे? उन्हें मुझसे क्या काम है? आंटी ये है मेरी माँ, ये मिट्टी के बर्तनों बेचने का काम करती हैं. अरे कैसी माँ हो तुम, तुम अपनी बेटी को स्कूल क्यों नहीं भेजती हो? मेम साहब हम गरीब लोग हैं, मैं इसे पढ़ाऊं या इसका पेट पालूं, वैसे भी इसे पढ़ लिख के कौन सा कलेक्टर बनना है. अरे तुम्हें नहीं पता क्या, आजकल तो बेटियों को पढ़ाना और भी जरूरी है. अरे तुम्हें नहीं पता क्या, आजकल भारत सरकार ने लड़कियों के लिए 8वीं तक शिक्षा मुफ्त कर दी है, और साथ में वर्दी किताबें और खाना वो भी मुफ्त में मिलता है. अरे तुम चिंता मत करो, मैं इसका दाखिला करा दूंगी. जैसा आप कहो मेम साहब. माँ पता है मेरी नौकरी लग गई है, वो भी 1,00,000 रुपए महीना. वाह बेटा वाह, शाबाश, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया. माँ अब तुझे ये सब काम नहीं करना पड़ेगा. और मेम साहब सही कहती थी, बेटियों को पढ़ाना तो और भी जरूरी होता है. माँ अब मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी करूँगी. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, थैंक यू.